तो उनका भी मैंने यूज़ किया है। अलग अलग तरह के सेंटेंसेस हैं, इनको देखेंगे हम जर्मन में कैसे लिखते हैं। आप भी साथ में प्रैक्टिस करोगे, इससे आपकी राइटिंग और स्पीकिंग जर्मन काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं, देखिए सेंटेंस। हालांकि वह बीमार है तब भी वह दफ्तर जा रहा है। क्या यहाँ पे हालांकि, अभी हम करेंगे इसको। उसके पास पैसे नहीं है तब भी वह टैक्सी से काम पर जाता है, तब भी। मैं इन चीज़ों को अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे हम स्पेशल वर्ड यूज़ करेंगे, कंजंक्शन हो सकता है, कनेक्टर हो सकता है। चलिए, जो मेहनत नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती, ये देखिए। तो इसको मैंने अंडरलाइन किया, अभी इसको हम सेंटेंस में बनाएंगे। आप भी साथ साथ नीचे कमेंट में अपने सेंटेंस बनाना और मैं चेक करूँगा आपके सेंटेंस सही हैं कि नहीं। आपके सभी सेंटेंस मैं देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि आप भी साथ में सेंटेंस बनाते हो। चलिए, एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ टारगेट A1 A2 बैच के बारे में, जो 7 सितंबर 1 से स्टार्ट होगा, शाम को 5 बजे से 6 बजे तक इंडियन टाइम। डेली क्लास चलेगी, लाइव क्लास होगी गूगल मीट पे। 999 पर मंथ उसकी फीस है। यस, सही सुना आपने, 999 पर मंथ। लिमिटेड ऑफर है, बहुत कम पैसों में ये बैच स्टार्ट किया है, इसलिए ताकि आप थोड़ा सीरियसली पढ़ो। बट बिगिनर्स बैच है, A1 और A2 की तैयारी करेगी इसमें। 3 से 4 महीने का बैच है ये, इसके बाद दोबारा से स्टार्ट होगा। फिर इस तरह से लगातार चलता रहेगा A1 A2 टारगेट, और थोड़े दिनों बाद टारगेट B1 भी स्टार्ट करेंगे, उसके अलग से अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर सकते हो आप ग्रुप को, या DM करके इंस्टा पे, या ईमेल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो आगे। September 1 बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट एक सेंटेंस बनाएंगे। हालांकि वह बीमार है तब भी वह दफ्तर जाता है। तो हालांकि यहाँ पे वर्ड आएगा ओबवोल, या आपने पढ़ा होगा ओबवोल। ओबवोल मतलब ऑल दो, हालांकि। ओबवोल एयर क्रांकिस्ट, ओबवोल एयर क्रांकिस्ट गेट एयर, अब दफ्तर जा रहा है तो गेट एयर इंस ब्यूरो, ब्यूरो मतलब दफ्तर होता है, हाँ, गेट एयर इंस ब्यूरो। अगर मैं लिखता यहाँ पे कि वह काम पे जा रहा है तो आता सुर अरबाइट। तो सेंटेंस क्या बना, ओबवोल एयर क्रांकिस्ट गेट एयर इंस ब्यूरो, जब बीमार है तब भी वह दफ्तर जा रहा है। हालांकि बीमार होने पर हम घर पर बैठते हैं, आराम करते हैं, तो उसके अपोजिट वो कुछ और काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है ओबवोल। ओबवोल का मतलब समझ गए, जब हम नॉर्मल रूटीन से हटके कुछ करते हैं, कुछ अलग करते हैं जो सब लोग नहीं करते, एबनॉर्मल करते हैं, अनयूजुअल करते हैं, तो ओबवोल आएगा। जैसे बारिश हो रही है तब भी वह खेल रहा है, बारिश में कोई नहीं खेलता लेकिन वो खेल रहा है, ओबवोल। बनाओगे सेंटेंस को नीचे कमेंट में। दूसरा देखते हैं, उसके पास पैसे नहीं है तब भी वह टैक्सी से काम पर जाता है। पैसे नहीं है तो टैक्सी से जाता है, टैक्सी से जाने में किराया ज़्यादा लगता है, तो पैसे नहीं है तो बस से जा सकता है, सरकारी बस से जा सकता है जिसमें किराया कम होता है, लेकिन कब भी वो कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे लिखेंगे, उसके पास पैसे नहीं है तो एयर हार्ट खाइन गेल्ड थ्रोट स्टेम, यहाँ पे क्या आएगा, थ्रोट स्टेम गेट एयर मिड डिम टैक्सी। अब यहाँ पे क्या, काम पर जाता है, सुर अरबाइट, ठीक है, सुर अरबाइट। तो काम पे जाना सुर अरबाइट, दफ्तर जाना इंस ब्यूरो गेन, ठीक है, दोनों वर्ड आप लिखोगे, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे थ्रोट स्टेम यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे क्या, तब भी, ये सेंटेंस के दूसरे हिस्से में है तब भी, और यहाँ पे ये सेंटेंस के पहले हिस्से में है, इसलिए ओबवोल। तो ओबवोल और थ्रोट स्टेम दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है, अनयूजुअल काम करते हैं हम, लीक से हटके करते हैं, एबनॉर्मल काम करते हैं जो सब लोग नहीं करते। पैसे अगर नहीं है तो हम लोग टैक्सी से नहीं जाएंगे, बट वो जा रहा है। तो इसको हम हालांकि से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी, हालांकि उसके पास पैसे नहीं है तब भी वो टैक्सी से जा रहा है, तो हालांकि होता तो ओबवोल। बट यहाँ के क्या है, यहाँ पे हालांकि नहीं है, यहाँ पे हमने हालांकि से स्टार्ट नहीं किया, ऑल दो से स्टार्ट नहीं किया, ये ऊपर वाला ऑल दो से किया था। तो दोनों सेंटेंस को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब सेम है दोनों ही वाक्यों का। तो आप भी इस तरह सेंटेंस बनाना सीखिए, कैसे हम वर्ड्स के साथ खेलते हैं, इसको बोलते हैं प्लेइंग विद द वर्ड्स। जब हम वर्ड्स को अपने तरीके से, अपनी इच्छा के अनुसार इस्तेमाल करके अलग अलग तरह के सेंटेंस जर्मन में बनाते हैं, या आप किसी भी लैंग्वेज में सीख सकते हो। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, निरंतर प्रैक्टिस से आप ये सीख, इस तरह के सेंटेंस बना सकते हो और लिख भी सकते हो। अगला वाक्य देख लेते हैं, जो मेहनत नहीं करता उसे सफलता नहीं मिलती। जो, तो यहाँ पे जो मेहनत नहीं करता, तो किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक तो सिंगुलर है ये सेंटेंस, वेयर
नेक्स्ट हार्ट आर बाइटेड, मेहनत करना क्या होता है, हार्ट, हार्ड वर्क। देखो यहाँ पे वर्ब लास्ट में आएगा क्योंकि मैंने वेयर से स्टार्ट किए, इस तरह का सेंटेंस आपको भी आना चाहिए। वेयर नेक्स्ट हार्ट आर बाइटेड, उसे सफलता नहीं मिलती। बेकॉम्ड काइनन एयरफॉल्क, बेकॉमन हाँ, बेकॉम्ड काइनन एयरफॉल्क, एयरफॉल बेकॉमन मतलब सक्सेस मिलना। सेंटेंस देख रहे हो, वेयर नेक्स्ट हार्ट आर बाइटेड, जो हार्डवर्क नहीं करता, जो मेहनत नहीं करता, उसे सफलता नहीं मिलती। सेंटेंस देखो किस तरह से लिखा है, वैसे आप सोचोगे तो बहुत समय लगेगा, आप सोचते रहोगे कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। एक सेंटेंस और बनाना आप कमेंट में, जो देर से उठता है वह पूरा दिन सुस्त रहता है, लेजी रहता है। इसको आप नीचे कमेंट में लिख के बनाओगे, ठीक है, मैं चेक करूँगा। चलिए दूसरा वाक्य देख लेते हैं, आप दूसरी शीट मैंने बनाई है। उसके पास ना घर है ना कार, ना ही घर है ना ही कार है, वह रात को देर तक पढ़ता है तब भी वह जर्मन नहीं लिख पाता, तब भी। ये भी हमने किया था, उसी तरह का है। पहले देखते ऊपर वाला, उसके पास ना घर है, देखिए एर हार्ट, यहां पे क्या आएगा, वेडर, वेडर काइन हाउस, नॉक आउटो, ठीक है। उसके पास ना ही घर ना ही कार, तो दोनों ही चीजें नेगेटिव हुई, ना घर है उसके पास ना ही उसके पास, ये नेगेटिव है, और ना ही उसके पास कार है, दोनों ही नेगेटिव है। तो यहां पे हम कनेक्ट यूज कर रहे हैं वेडर और नॉक, इसको आप ध्यान से देखना, वेडर और नॉक, नाइदर नॉर, नाइदर ही हैज नाइदर हाउस नॉर कार, ना ही उसके पास घर है ना ही उसके पास कार है। ये भी एक अलग तरह का सेंटेंस है, आज हम बिल्कुल अलग सेंटेंस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, इसको लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल पे सारी अपडेट्स मिलेगी, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप कभी भी बंद कर सकती है सरकार, क्योंकि उस पर वैसे परेशानी आ रही है काफ़ी, टेलीग्राम जो ग्रुप है जो चैनल है वो खतरे में है ना, तो टेलीग्राम चैनल अब भारत में सभी का बंद हो सकता है, आज की न्यूज़ में ऐसा आया था। तो टेलीग्राम चैनल से हम अब व्हाट्सएप चैनल की ओर मूव करेंगे, तो व्हाट्सएप चैनल का नीचे लिंक मैं डाल रहा हूँ, इसको जाके अभी ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट्स कोर्स की, लाइव क्लासेस की, और भी तरह तरह की अपडेट्स व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी, नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, इसको ज्वाइन कर लो। वह रात को देर तक पढ़ता है तब भी वह जर्मन नहीं लिख पाता, देखो एर स्टूडियट, यहाँ पे हम स्टडी लिख सकते हैं स्टूडियट, या फिर हम लिख सकते हैं लैंड सीखना, दोनों वर्ब लिख सकते हैं। एर स्टूडियट बिस स्पेट इन डेयर नाक्ट, रात तक बिस स्पेट इन डेयर नाक्ट, एर स्टूडियट बिस स्पेट इन डेयर नाक्ट, वह देर रात तक पढ़ता है तब भी वह जर्मन नहीं लिख पाता। थ्रोट स्टीम कान एर लिख पाता, लिख सकता ना, तो यहाँ पे मोडाइल वर्ब आएगा क्यों ना, ट्रोटस्टेम खान एर काइन डॉयच श्राइबन, डॉयच का आर्टिकल होता है इसलिए काइन डॉयच, ठीक है, आर्टिकल डॉयच का आर्टिकल होता है, नाउन होता है डॉयच, दास डॉयच। देखो एक बार सेंटेंस को, ए स्टूडियट बिस्पीट इंडियन नाक्ट, ट्रोटस्टेम खान एर काइन डॉयच श्राइबन, और एक्सप्रेशन उसके बावजूद भी, वह देर रात तक पढ़ता है उसके बावजूद भी या तब भी वह जर्मन नहीं लिख पाता। आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे जिनकी समस्या है कि आप भी बहुत पढ़ते हो दिन में 3-4 घंटे, फिर भी जर्मन नहीं लिख पा रहे हो, बोल नहीं पा रहे हो, तो इसके लिए आपको निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और ध्यान लगा के कॉन्सेंट्रेशन के साथ। कितने घंटे पढ़ते हो वो मैटर नहीं करता, आप कितना कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ते हो, कितना फोकस होकर पढ़ते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, मेरा घर बड़ा भी है और सुंदर भी। देखो यहाँ पे दोनों पॉजिटिव बात हो रही है, बड़ा भी है मेरा घर और सुंदर भी, तो कैसे बनेगा,
माइन हाउस ईस्ट जोवोल ग्रोस आलसाउक श्योन, मतलब सुंदर। ये देखो, तो यहां पे मैंने यूज किया जोवोल आलसाउक, ये कनेक्टर, डबल कनेक्टर बोलते हैं इसको, जोवोल आलसाउक। यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं माइन हाउस ईस्ट ग्रोस उंड श्योन, सिंपल। यहां पे मैं उंड का भी यूज कर सकता हूं, माइन हाउस ईस्ट ग्रोस उंड श्योन, यहां मैं उंड भी लिख सकता हूं, लेकिन वो थोड़ा बिगिनर्स के लिए है, वो उंड मतलब बिगिनर्स के लिए आप यूज कर रहे हो, दोनों का मतलब सेम ही है, ये बिगिनर्स के लिए, A1 स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप B1 या B1 प्लस में पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये वाला वाक्य सही रहेगा, जोवोल आलसाउक। तो हम दोनों ही तरह के सेंटेंस देख रहे हैं, जो लोग बिगिनर हैं वो उंड लगाएंगे और जो एडवांस जर्मन सीखना चाहते हैं वो जोवोल आलसाउक लिखेंगे। यही लैंग्वेज की खासियत है, जैसा चाहो वैसा लिखो, ये आपके ऊपर निर्भर है, लेकिन आपको सीखना आनी चाहिए पहले। जर्मन सीख लो, फिर अपने तरीके से आप सेंटेंस लिखो, जैसा चाहो उस तरह से सेंटेंस को लिख सकते हो। नेक्स्ट, मेरा दोस्त ना समझदार है ना ही मेहनती। देखो ना, यहाँ पे नेगेटिव, ना ही वो समझदार है और ना ही मेहनती है। कैसे बनेगा? माइन फ्रॉइंड ईस्ट वेटर क्लूक, समझदार को बोलते क्लूक, स्मार्ट, वेटर क्लूक नॉक फ्लाइसिश, मेहनती को क्या बोलते एडजेक्टिव है फ्लाइसिश। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वेडर और नॉक। अब वेडर और नॉक देख रहे हो, ये नेगेटिव के लिए, जब हम नेगेटिव बात करेंगे, ठीक है, ना ही वो समझदार है और ना ही वो मेहनती है। जैसे बोलते हैं नाइदर नॉर, ही इज़ नाइदर इंटेलिजेंट नॉर हार्ड वर्किंग। और यहाँ पे भी क्या था, यहाँ पे भी दो चीज़ें थी, लेकिन यहाँ पे था मेरा घर बड़ा भी और सुंदर भी, यहाँ पे पॉजिटिव बात हुई, दोनों ही चीज़ें पॉजिटिव है। जैसे बोलता हूँ मेरा दोस्त समझदार भी और मेहनती भी, तो यहाँ पे ये आएगा जोवोल, तो पॉजिटिव होगा तो जोवोल, नेगेटिव होगा तो वेटर नॉक। ये आपको लिखना है। एक सेंटेंस मैं बोलता हूँ, कमेंट में लिखोगे, मेरा दोस्त ना ही चाय पीता है ना ही कॉफ़ी, मेरा दोस्त ना ही चाय पीता है ना ही कॉफ़ी, माय फ्रेंड ड्रिंक्स नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, लिखो कमेंट में। चलिए आगे देख लेते हैं, वह ना केवल कार चलाता है बल्कि बाइक भी, ना केवल और बल्कि, ये देखेंगे, दौड़ने से ना केवल सेहत अच्छी रहती है बल्कि मूड भी अच्छा रहता है। देखो इसको करेंगे हम, एर फेयर निष्ठनुअर आउट हो जोंडन आउट मोटोराट, बाइक को क्या बोलते हैं मोटोराट। अभी देख रहे हो निष्ठनुअर जोंडन आउट, ये कनेक्टर है, डबल कनेक्टर बोलते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही ड्राइव्स नॉट ओनली कार बट ऑल्सो बाइक, वह ना केवल बाइक चलाता है बल्कि कार भी, वह दोनों चीज चलाता है। हम यहाँ पे उंड भी लगा सकते हैं, एयर फेयर आउटो उंड मोटोराट, फिर दोबारा उंड लगेगा तो वो A1 लेवल का होगा। हम एडवांस लेवल सीख रहे हैं तो आपको निष्णुवर जोंडन आउट लिखना है। यहाँ भी हम उंड भी लिख सकते हैं, यहाँ हम उंड से भी रिप्लेस कर सकते हैं, आप कमेंट में सेंटेंस बनाना उंड के साथ। नेक्स्ट, दौड़ने से ना केवल सेहत अच्छी रहती है बल्कि मूड भी अच्छा होता है, तो ना केवल बल्कि है निष्णुवर जोंडन आउट, तो कैसे लिखेंगे, देखो इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लिखता हूँ, मान हार्ट निष्णुवर गुटे लाउनर, मूड अच्छा होना मतलब गुटे लाउनर, मान हार्ट निष्णुवर गुटे लाउनर जोंडन आउक जोंडन आउ जोंडन आउ ब्लाइट मान गेजुंड,
अब आगे व्हेन मान लेफ्ट, देखो मैंने कंडीशन लगा दी व्हेन मान लेफ्ट, जब कोई दौड़ता है तो, यहाँ पे मैंने कनेक्टर लिख दिया जब कोई दौड़ता है, हालांकि सेंटेंस नहीं है ऐसा, सेंटेंस देखो हिंदी में दौड़ने से मतलब दौड़ने से ये सब चीज़ें होती है, दौड़ना जरूरी है, दौड़ोगे तभी आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, तभी मूड भी अच्छा रहेगा, तो दौड़ना जरूरी है इसलिए लिखा है, इसलिए यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है व्हेन मान लेफ्ट। सो मान हार्ट निष्णु और गुटे लाउने, गुटे लाउने मतलब मूड अच्छा होना, गुटे लाउने हाबन, मान हार्ट निष्ठ और गुटे लाउने जोंडर आउ ब्लाइट गेजुंड। यहाँ पे मान को ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्योंकि मान हमने एक बार लिख दिया है, ठीक है। सो मान हार्ट निष्ठ और गुटे लाउने जोंडर आउ ब्लाइट गेजुंड व्हेन मान लेफ्ट, जब व्यक्ति दौड़ता है तो, दौड़ने से ही ये सब चीज़ें आती है, तो दौड़ना जरूरी है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि दौड़ोगे तभी आपको दोनों चीज़ें मिलेगी, आपका मूड भी अच्छा रहेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। जी हावन गुटे लाउने ओंड जी ब्लाइवन आउ गेजुंड, यहाँ पे भी उंड लिख सकते हैं लेकिन हमने एडवांस सीख रहे हैं अभी तो इस तरह से लिखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा, आज की क्लास में कुछ नया सीखने को मिल रहा है, जरूर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहो, चैनल सब्सक्राइब करते रहो, नीचे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उनको भी आप फॉलो कर लेना। वह पढ़ता भी है और खेलता भी है, देखो पढ़ता भी है और खेलता भी, मोबाइल से हम ईमेल भी भेजते हैं और ख़रीदारी भी करते हैं, सही है। देखो पहले इसी को बना लेते हैं, मिड डे हैंडी सिंपल होगा, मिड डे हैंडी शाइबन वियर शिकन वियर ईमेल भेजना, शिकन वियर ईमेल शिकन चिकन वीर जोवोल ईमेल मीडियम हैंडी चिकन वीर जोवोल ईमेल आल सौ काफन वीर आइन, है ना, शॉपिंग करना आइन करना। तो मोबाइल से हम ईमेल भी भेजते हैं, जोवोल यहाँ पे देख लो, जोवोल और आलसाओ ये हमने पहले भी करा था, तो यहाँ पे उंड को हम रिप्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम उंड को रिप्लेस कर रहे हैं, उंड की जगह हम ये लिख सकते हैं मिडियम हैंडी शिकन वियर ईमेल उंड काउफन वियर आइन, उंड भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे जोवोल और आलसाओ हम सीख रहे हैं। एज वेल एज विद मोबाइल वी कैन सेंड ईमेल एज वेल एज वी कैन डू शॉपिंग। देखिए नेक्स्ट, वह पढ़ता भी है और खेलता भी है, तो उंड के साथ क्या होगा, एर स्टूडियट उंड स्पील्ट, सिंपल एर स्टूडियट उंड स्पील्ट, ये उंड हो गया, ये सिंपल है ना, बिल्कुल A1 लेवल के लिए बिल्कुल ठीक है। एडवांस में एर स्टूडियट उंड स्पील्ट, मेरे हिसाब से इसमें यही सेंटेंस बनेगा क्योंकि हमारे पास ये वर्ब है, हमारे पास ये नहीं है कि वह क्या पढ़ता है, या वह न्यूज़पेपर भी पढ़ता है और वह बास्केटबॉल भी खेलता है, तब हम यहाँ पे जोवोल और आउसा को लिख सकते थे। अब यहाँ पे बनेगा एयर स्टूडियट, जैसे एयर स्टूडियट जोवोल फुटबॉल उंड एर स्पील्ट आल्स आल्स आउक स्पील्ट एर आउक फुटबॉल, है ना, या वो फुटबॉल भी खेलता है या वो हॉकी भी खेलता है, तो हम यहाँ पे दो चीज़ें लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है पढ़ता है वो बस और वो खेलता है, यहाँ पे वर्ब लिख रहे हैं, हम वर्ब लिख रहे हैं स्पीलन और स्टूडियरन, स्टूडियरन और स्पीलन या लर्नन और स्पीलन, स्टूडियरन और स्पीलन, सो एर स्टूडियट उंड आउक स्पील्ट, या एर स्टूडियट उंड स्पील्ट आउक, तो उनके साथ ही सेंटेंस बन पाएगा मेरे को जहाँ तक लगता है। अगर आप ये लगता है कि आलसा जो वो लगा सकते हैं तो कमेंट करके बताना, देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा, मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे उंड ही ज़्यादा बेटर है, वही उसी से बन सकता है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, आपको ये क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट में अपना फीडबैक लिखना और लाइक कर देना चैनल को। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय, आउट ऑफ सीन।